प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू, जो कि वो देंगी इंडिया डेली लाइव चैनल को। जी हाँ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इंडिया डेली लाइव को, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इस्लाम के फिरकों को लेकर भी आपने एक नई परिभाषा घड़ी, बीते रोज आपका एक वीडियो वायरल हुआ, देवबंद का एक नया कॉन्सेप्ट आपने, नई परिभाषा बताई, उस पर जरा मैं चाहता हूँ कुछ प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने राहुल बाबा को दिल्ली के रोड पर खड़े होकर कहा था कि कास्ट सेंसस तुम कराना चाहते हो तो तुम मुसलमानों का 72 फिरका का भी कास्ट सेंसस कराओ, क्योंकि हमारा 72 फिरका है। आप अगर मैं अहले सुन्नत से आती हूँ, मैं सुन्नी हूँ प्रॉपर, मेरा पूरा कुल खानदान, मेरे दादा परदादा लगर दादा से सबको ही सुन्नी है। तो अगर आप, मैं मर जाती हूँ, आप शिया के कब्रिस्तान में अगर मुझे भेजेंगे, वो लात मार के भगा देगा, फेंक देगा मेरा मेरा मेरे शव को, मेरी डेड बॉडी को फेंक देगा। वो बोलेगा नहीं, ये तो सुन्नी है, इसको हम नहीं दफनाएंगे। अगर अगर शिया का डेड बॉडी अगर हमारे सुन्नी के कब्रिस्तान में आ जाएगा तो सुन्नी लात मार देगा, बोलेगा अरे शिया है ये, तो मातम करने वाला है, हम नहीं इसको दफनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 72 फिरकों को भी सर्वे करवाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भी, मैं सुनता हूं कि अलग अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी इबादत की जगह। अब देखिए जाएगा बरेलवी वहाबी में नहीं जाएगा, अलग अलग सबकी अपने इबादत की। देखिए बोरी मुसलमान जो होते हैं वो डायरेक्ट अरब से, वो ईद जब अरब में होगा तो वो ईद कर लेते हैं, रमजान जब अरब में होगा वो रमजान कर लेते हैं, शबे कदर जब अरब में होगा वो शबे कदर भारत में कर लेते हैं, वो इंटरनेशनल डेट लाइन भी नहीं देखते हैं और टाइम भी नहीं देखते, वो अरब में हो गया हम भी करेंगे उसी दिन। तो बोरी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, शिया एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, वहाबी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, अहमदी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, देवबंदी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, अहले सुन्नत एकदम अलग है उनका कंसेप्ट। तो ये जितने भी आते हैं सबके कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन डिक्टेटरशिप सिर्फ सुन्नी में है और देवबंदी में है, इसके अलावा किसी में भी डिक्टेटरशिप नहीं है। आपने कभी भी टीवी चैनलों पर, आप इतने बड़े एंकर हैं, विभिन्न आपने चैनलों पर इतना बड़े चेहरा बन करके आपने काम किया है, आपने कभी किसी बोरी मुसलमान को देखा है कि वो आकर के डिबेट में लड़ रहा है? आपने नहीं देखा होगा। आपने कभी वहाबी किसी मुसलमान को देखा है कि वो डिबेट में आकर के बदतमीजी कर रहा है महिलाओं के साथ? नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब शिक्षा बढ़ चुकी है। मैं अभी महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र के जोगेश्वरी में शिया समाज की एक 23 साल की बच्ची पायलट बनी है। इतनी शिक्षा बोरी समाज में आ चुकी है, आज शिया समाज में इतनी शिक्षा आ चुकी है, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ये एडुकेशन के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत लिबरल है, ये बहुत मॉडर्न है, ये रिफॉर्म होना चाहते हैं और खराब प्रथाओं को ये छोड़ करके बहुत आगे निकल चुके हैं। डिक्टेटरशिप सिर्फ और सिर्फ सुन्नी में है, सुन्नी को ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप सोचिए पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान है, फिर काहे को ये वहाबी और शियाओं की मस्जिद तोड़ते फोड़ते रहते हैं? मुसलमान सुन्नी में एक उनके अंदर औरा है, उनको जब तक क्रिश्चियन मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे गरियाते रहेंगे, हिंदू मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे गरियाते रहेंगे, यहूदी मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे गरियाते रहेंगे, और जब कोई नहीं मिलेगा तो अपने फिरकों में मारेगा काटेंगे और गरियाएंगे। ये सुन्नी मुसलमानों का एकदम मतलब उनका ये परमानेंट और फिक्स्ड ऑरा है उनका। ठीक है नाज़िया जी, सवाल तमाम है क्योंकि और वक्त सीमित है, इसलिए ज्यादा ये मुद्दा खींचेंगे नहीं। लाखों विरोधी, अगला सवाल है मेरा कि लाखों विरोधी इस तरह का कोट करते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नाज़िया इलाही ने बीजेपी का गुणगान शुरू किया और इस्लाम का विरोध करना शुरू किया, ऐसे सवालों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक बिहार में एक कहावत होती है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, काइंडली मुझे फॉलो ना करें, मुसलमान मुझे ना सुने, आप ही कमेंट कर करके भरते हैं और मेरी लोकप्रियता बढ़ाते हैं,
मत करें ना, मुझे मत देखें। आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी हो जाता इस्लाम की ओर से? मतलब अभी तक क्या कोई फतवा जारी होने की ऐसी कोई खबर, या जो जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, अलग अलग मैंने कई वाक्य देखे कि उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है, अब तक क्या चीज उनको रोक रही है नाजिया इलाही के खिलाफ फतवा जारी होने से? ठीक है, पीपल नोज वेरी वेल अबाउट मी, जो लोग मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं उनको बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया है कि मेरे खानदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरब में रहता है, बहुत बड़ा जी, 200 से ज्यादा बड़ा परिवार मेरा अरब में रहता है और मुकम्मल अरब में रहता है, तो उनको भी ये बात का आइडिया है। मदनी साहब को तो बहुत अच्छे से, मैं तो नाम लेकर के बोल रही हूँ, मदनी साहब को बहुत अच्छे से और अवेसी साहब को भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे परिवार के 200 से ज्यादा सदस्य अरब में रहते हैं और प्रॉपर अरब में रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फतवा जारी हो। मैं तो बिजनेस क्लास का टिकट भेजूंगी मदनी को और बुलाऊंगी वहां। कैसे जवाब देंगी उनको अगर फतवा जारी हो जाता है भविष्य में? अगर संवैधानिक और इस्लामिक दोनों तरीके से जवाब दूंगी, दोनों तरीके से मैंने खुद को तैयार करके रखा। से ही खारिज कर दी गई आप अगर? ये तो प्रियांक जी किसी के बाप की ताकत ही नहीं है, एक बार करके तो दिखाए। इस्लाम में ही रहेंगी आप आखिरी सांस तक? आखिरी सांस तक कब्र में ही जाऊंगी पर गंगा स्नान भी करूंगी। ठीक है, कुल भी पढ़ा जाएगा मेरा, कुल भी पढ़ा जाएगा मेरा, पर जय श्री राम भी करूंगी। देखिए, एक अब एक तरफ आप इस्लाम में हैं, इस्लाम नहीं छोड़ रही, उस एक तरफ इस तरह के बयान भी देती हैं कि भैया इस्लाम में मत आओ, इस्लाम अपनाने की, लोगों को इस्लाम में शामिल कराने की 4 स्ट्रेटेजी हैं। आपका एक बयान वायरल हुआ था, अल तकिया, दाई जिहाद, जजिया, इस तरह की आपने स्ट्रेटेजी बताई थी इस्लाम की, खुलकर बताएं जरा इस बारे में। देखिए, इस्लाम की 4 स्ट्रेटेजी है जिसको आज भी माना जा रहा है। सबसे पहला अल तकिया होता है, मतलब कि मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगी कि प्रियांक जी मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हम लोग दोनों भाई भाई हैं, हमारा मेरा और आपका खून लाल है, हम एक साथ रहते हैं, हम भाईचारा निभाएंगे। आपको एहसास हो जाएगा बेचारी बहुत मासूम है, इस्लाम मानती है और मुझे भी समझाने की कोशिश कर रही है। फिर दाई आता है, मतलब दावत इस्लाम, फिर मैं आपको अपने घर पे बुलाऊंगी, कभी शीरनी खिलाऊंगी, कभी सेवई खिलाऊंगी, कभी शीर कुरमा खिलाऊंगी, एक आध बार झटके में नमाज पढ़वा दूंगी, एक आध बार झटके में आपको रोजा रखवा दूंगी, बस जैसे ही आप डगमगाएंगे वैसे ही मेरी जीत हो जाएगी। अब उसके बाद फिर अगर आपको होश आ जाता है कि अरे नहीं नाजिया, मैं तो प्रियांक ही ठीक हूँ, मैं तो सनातनी ठीक हूँ नाजिया, तब आता है जिहाद। तो भाई लाओ लाओ, अब तलवार लाओ और इसका सर तन से जुदा करो। अब वैसे में अगर आपका सर तन से जुदा हो जाता है फिर भी वो इस्लाम कबूल करेंगे, तब आता है जजिया, कि या तो आप इस्लाम कबूल करें, या तो मुझे प्रॉपर्टी दे, या तो मुझे आप संपत्ति दे, और या तो फिर अपने घर की बहु बेटियां दे। और नाजिया इस्लाम में रहकर ही मतलब ये बोल रही हैं कि भाई सावधान रहो, इस्लाम में बताओ, मैं तो हूँ लेकिन आप लोग बताओ। हाँ, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि जो भी मुसलमान मर्द, जो भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है वो तो कुरान के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि सूरह अल बकरा, हमारे अल कुरान का सूरह अल बकरा ये चीख चीख करके कह रहा है कि निकाह जो है, जवाज जो है, शादी जो है, वो दो मुसलमान और हम कलमा में ही होता है। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो लोग अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उन्हीं दो लोगों के बीच में निकाह होता है, आमंतु बिल्लाह है, उन्हीं दो लोगों के बीच में पढ़ा जा सकता है। तो एक तो मुसलमान मर्द हम मुसलमान बेटियों का हक मार करके सनातनियों को दे रहे हैं, दूसरा कि आप एक सनातनी लड़की से शादी कर कैसे रहे हैं, और अगर आप कन्वर्शन करवा रहे हैं तो ये तो संविधान के हिसाब से भी गलत है, आप किसी का कन्वर्शन नहीं करवा सकते हैं। ये मैंने हमेशा बोला हुआ है, जो गलत है वो गलत है, किसी भी मुसलमान मर्द को किसी भी गैर धर्म की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। भाई हमारे मुसलमान समाज की बेटियां 40-40 साल की हो रही हैं, 32-32 साल की हो रही हैं, लेकिन आप जाकर के क्रिश्चियन से कर रहे हो, आप जाकर के जिहाद के नाम पर 72 वर्जिन हुरों के लालच में आप सनातनियों से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप मुसलमान लड़कियों से करो ना शादी, हमारे अलकुरान के खिलाफ आप क्यों जा रहे हो? तो मैंने तो हमेशा अच्छी बात बताई। अब देखिए, महाबलेश्वर में, सतारा में, उसके बाद फिर पुणे में मेरी सभा थी, हिंदू महासभा, मैंने लाखों हिंदू बेटियां थी, मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आप किसी अब्दुल को अच्छा मत समझे, जब वो हमारे मुंह पर 3 सेकंड में 3 तलाक फेंक देता है
थूक देता है तो वो आपको क्या इज्जत देगा। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, मेरी मुसलमान बेटियां रोजा रख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुंह पे 3 तलाक फेंक दिया जाता है थूक करके, हमारे हमारी हमें बेइज्जत कर देता है मुसलमान मर्द। एक गैर धर्म की हिंदू लड़की को वो कैसे इज्जत देगा जब अपने हम कलमा लड़की को नहीं दे पा रहा है। तो मैंने तो समझाया, और अच्छी बात समझाना अगर गुनाह है तो मैं ये गुनाह करने को तैयार। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने जाने नाज़िया लाई खान जी के निजी विचार कि क्यों वो इस्लाम का विरोध करती हैं और क्यों सनातन धर्म की तारीफ करती हैं। और जैसे कि नाज़िया लाई खान जी ने कहा, कोई भी अब्दुल जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, तो इसलिए सनातनी बेटियों को इस चीजों से संभल के रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।